फिक्स डिपॉजिट तोड़कर धार्मिक स्थल दे रहे हैं कर्मचारियों को वेतन। लाखों की आमद वाले धार्मिक स्थलों की आय शून्य। जल्द खोलने की अनुमति देने की मांग। कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी पर केंद्रित जनहित याचिका पर सोमवार को बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में हुई सुनवाई। कहा एम्स में बेड क्षमता बढ़ाने की तैयारी रखे विभागीय आयुक्त। सोमवार को हुई राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग की परीक्षा तकनीकी गड़बड़ी की चढ़ा भेंट। लॉगिन करने में छूटे पसीने तो वहीं पेपर सबमिट करने में भी आई परेशानी। बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता की उस याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता ने दीक्षा भूमि पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और 24 से 26 अक्टूबर तक दशहरे के मौके पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के आयोजन की मांगी थी अनुमति। याचिका खारिज। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के लिए रिपब्लिकन पार्टी के गुटों ने दिखाई एकजुटता। कहा कोरोना संक्रमण में दीक्षा भूमि पर इकट्ठा न करे भीड़। जिले में 658 पॉजिटिव तो वहीं 30 की हुई मौत। रिकवरी दर 87.74% पर तो वहीं 7872 है एक्टिव मरीज। नौकरी का झांसा देकर रिटायर्ड रेलवे अधिकारी ने बेरोजगार युवकों को ठगा। लाखों रुपए ठगने का मामला आया सामने। कामठी स्थित गौतम नगर में कचरा गाड़ी ने मासूम को कुचला। हादसे के बाद सड़क पर उतरे लोग वाहनों पर किया पथराव। नाबालिग चला रहा था नगर परिषद की गाड़ी। गरीबों के लिए राशन दुकानों में भेजे जाने वाले चावल की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेजा गया। पुलिस के हाथ लगी कई अहम जानकारियां। युवती को राजस्थान में बेचने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। फरार एक आरोपी जमनालाल की पुलिस को है तलाश। इमामवाड़ा पुलिस कर रही है मामले की जांच।